नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जहां जिला सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के मुकदमे में सुनवाई करते हुए बिहार के आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। बिहार के सिवान जिले के बढ़रिया विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक बच्चा पांडे हैं, जहां चंपावत जनपद के पार्टी क्षेत्र निवासी धन सिंह के द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई करते हुए चंपावत जिला सत्र न्यायालय ने सड़क निर्माण में कार्यरत दरौली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू करते हुए चंपावत पुलिस अधीक्षक को बच्चा पांडे को गिरफ्तार करने की पेश की है। वर्ष 2018 में बाराहट डिवीजन अल्मोड़ा के अंतर्गत एक मोटर मार्ग था, पारकोट बैनाली मोटर मार्ग, जिसके स्टेज 2 का टेंडर मैसर्स दरौली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को मिला था, जिनके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बच्चा पांडे थे। वैसे दरौली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कोई है शिवांगी कोई मिस्टर बच्चा पांडे के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट किसी एनआई एक्ट के केस में जारी किया गया है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि फिर हम उसको तामील करने का प्रयास करेंगे। हमारी टीम वहां पर जाएगी और उसमें जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई हो वैधानिक कार्रवाई करेगी। वही अगली खबर हरिद्वार से है, जहां मनसा देवी पहाड़ी के भूस्खलन वाले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर रही है। विशेषज्ञों की टीम निरीक्षण करने वाले विशेषज्ञों की टीम में निर्देशक यूएलएमएमसी शांतनु सरकार, यूएसडीएम जीआईएएस एक्सपर्ट रोहित कुमार, यूएसडीएम भू वैज्ञानिक ट्रेंडिला सरकार और जीआईएस एनालिस्ट मोहित शामिल हैं। हरिद्वार जिला अधिकारी धीराज सिंह गायबल ने राजस्व लोक निर्माण विभाग सहित राजाजी पार्क के वरिष्ठ अधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। वही अगली खबर रायबरेली से है, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने ट्रांसपोर्ट से मारपीट कर लूट का मामला सामने आया है। जहां एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोहरी गांव के पास का है, जहां राम प्रसाद यादव के बेटे रामेश्वर यादव उम्र 38 वर्ष रायबरेली से वापस अपने घर जा रहे थे, तभी गांव के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनको रोक लिया और लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिससे वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। उसके बाद उनकी जेब में रखे 47,000 रुपए निकालकर सभी बदमाश आराम से मौके से फरार हो गए। वही अगली खबर महाराजगंज से है, जहां एक तरफ शहरों में टमाटर की कीमत आसमान को छू रहे हैं और 100 रुपए के ऊपर पहुंच गई है। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर टमाटर 200 रुपए के पार भी पहुंच गया है। बाजार में घटिया क्वालिटी का टमाटर भी 100 रुपए किलो का भाव मिल रहा है। वही टमाटर के बढ़ते दामों को लेकर जहां आम जन परेशान है, वही टमाटर की कालाबारी भारत नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्रों में धड़ल्ले से हो रही है, वही जिस पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गए हैं। वही अगली खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से है, जहां एक युवक और एक युवती ने एक साथ जीने और एक साथ मरने की कसम खाते हुए प्रेमी युवक ने एक पेड़ पर युवती के दुपट्टे से दोनों ने एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। वही सूचना पर एसपी ने मौके पर पहुंचकर घटना की पड़ताल की। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के महसोना माऊ गांव से उस समय हड़कंप मच गया था। ये थाना बिलग्राम क्षेत्र में आज एक नीम के पेड़ से एक युवक और एक युवती एक साथ सुसाइड किया गया उनके द्वारा लटक करके। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है कि युवक अनूप कुमार कोतवाली सिटी रहने वाला था और नोएडा में नौकरी करता था। युवती की भी पहचान हुई है, जो कि स्थानीय थाना बेलग्राम की ही है। वही अगली खबर बहराइच से है, जहां अधिकारी कविता मीना ने विकास खंड तेजवापुर के ग्राम तमाजपुर सराय मेहराबाद मोटू कहा में वृक्षारोपण किया। वही जल जीवन मिशन पर भी प्रधानमंत्री आवास का पूरा निरीक्षण किया, साथ ही बच्चों को शिक्षा व्यवस्था, ड्रेस, जूता, शिक्षा की गुणवत्ता सहित अन्य शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया। ग्राम तमजपुर के भ्रमण के दौरान खंड विकास अधिकारी अजय प्राप्त सिंह द्वारा बताया गया कि वृक्षारोपण अभियान 2023 अंतर्गत ग्राम में 1000 पौधे व्यक्तिगत और 1000 पौधे पर सामुदायिक स्थान पर किया जाना था, जिसमें ग्राम में सार्वजनिक भूमि उपलब्ध ना होने के कारण सामुदायिक स्थान पर रोपे जाने वाले 1000 पौधे भी किसानों को वितरण किए गए। वही अगली खबर कासगंज जनपद से है, जहां पटियाली तहसील में आज किसानों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
अब्दुल हफीज गांधी और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर एसडीएम पटियाली कुलदीप सिंह को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने किसानों और कार्यकर्ताओं के साथ मांग करते हुए कहा कि पटियाली तहसील क्षेत्र में गांव में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों का सरकार मुआवजा दे। वही अगली खबर फारुखाबाद से है, जहां खेत पर लेटे किसान की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। वही खेत पर फसल की रखवाली कर रहे किसान की हत्या कर दी गई है। किसान अपने खेत में मूंगफली की रखवाली कर रहा था, वही देर रात कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी गई। किसान की हत्या से परिजनों में कोहराम मच गया है। वही परिजनों ने गाँव में ही एक व्यक्ति पर हत्या के आरोप लगाए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जाँच पड़ताल में जुट चुकी है। वही अगली खबर जनपद मुजफ्फरनगर से है, जहां जिला पंचायत सभागार में आज सदन मिशन इंद्रधनुष 5.0 का जिला स्तरीय टास्क फोर्स बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, जिला पंचायत राज अधिकारी, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें आंगनबाड़ी आशाओं के खराब प्रदर्शन से नाखुश नजर आए डीएम। वही मुजफ्फरनगर सीडीओ संदीप भागिया ने सख्त कार्रवाई देते हुए ये निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी आशा से संबंधित विभागीय अधिकारियों में जानने के बाद ये हड़कंप मच गया। वही अगली खबर पीलीभीत से है, जहां देर शाम दिवहा नदी में 25 वर्षीय युवक डूब गया। वही दिवहा नदी रेलवे क्रॉसिंग के नीचे नदी में डूबा था युवक, शहर के सरफराज खान मोहल्ले का निवासी है। बताया जा रहा है कि देर शाम तक वो पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश करती रही, लेकिन काफी तलाश के बाद भी वो युवक नहीं मिला। वही गुस्साए परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हाईवे किया जाम। वही मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची सीओ सिटी अंशु जैन सहित कई थाने की फोर्स। वही प्रशासन ने बदायूं जनपद के कचला घाट से पीएससी फ्लड प्लाटून टीम को बुलाया और डूबे हुए युवक को जोरों शोरों से तलाशी गई। वही अगली खबर रायबरेली से है, जहां किसान नेता और करनी सेना जिला संरक्षक ने जमीन पर मकान बनवाने को लेकर रंगदारी ना देने पर महिला के साथ ही मारपीट में महिला का टूट गया हाथ। वही किसान नेता ने कहा कि 40 आदमी बुलाकर यहीं पर लाशें बिछा देंगे, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वही जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार भी पीड़िता ने लगाई है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वही अगली खबर रायबरेली से है, जहां आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक रायबरेली की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक की, जहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक रायबरेली की अध्यक्षता में आगामी त्योहार श्रावण मास के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बचत भवन में ये सभा का आयोजन किया गया। वही बैठक में जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक सभी शामिल रहे। वही सुझाव के संबंध में वार्ता की गई और आपसी सहयोग और सौहार्द का ध्यान रखते हुए सभी को आगामी त्योहार के लिए तैयार किया गया। जो हम लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पीस कमेटी की मीटिंग की है, दूसरी बार जो कांवड़ का त्यौहार सीजन चल रहा है और आगामी मुहर्रम के दृष्टिगत सभी समुदायों के जो संभ्रांत लोग हैं वो यहाँ मौजूद रहे हैं, पीस कमेटी के मेंबर्स रहे हैं और उनके साथ हम लोगों का ये संवाद का दूसरा राउंड जिले स्तर पर रहा है। उनसे हम लोगों ने पूछा है कहीं कोई दिक्कतें हों, कोई समस्याएँ हों तो वो बताएँ, ताकि उनका समय रहते संज्ञान लेकर हम लोग इस पर कार्रवाई कर सकें। वही अगली खबर जबलपुर से है, जहां मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी शंभू बेन, जो एक प्रोग्राम में भोपाल से 13 जुलाई को लापता हुए थे, उनके परिजन तब से लेकर अब तक उन्हें हर जगह ढूंढते रहे थे, लेकिन शंभू का कहीं भी कोई पता नहीं चल पाया। वही शंभू भटकते हुए ललितपुर बस स्टैंड आ गए। वहां पर एक मोबाइल की दुकान संचालक सुबहान अली ने उनका दर्द समझा और उनके बारे में पता करना शुरू कर दिया। वही शंभू की हालत खराब थी, उन्हें सुभान ने जिला चिकित्सालय में भर्ती भी कराया, इलाज भी कराया। वही आराम मिलने के बाद शंभू ने ललितपुर जिले के पास ही मध्य प्रदेश के सागर जिले में अपनी एक रिश्तेदारी बताई। सुभान की मेहनत रंग लाई और शंभू के परिजन का पता चल पाया और शंभू अपने घर को लौट गया।
वही अगली खबर कानपुर से है, जहां बजरिया थाना क्षेत्र में मकान के बेसमेंट में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। वही देखते ही देखते आग के विकराल रूप ले लिया। वही क्षेत्रीय लोगों ने आग लगने की सूचना कंट्रोल रूम और स्थानीय थाने को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर बजरिया थाना का फोर्स के साथ ही कर्नलगंज फायर ब्रिगेड के जवान मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिए। वही अगली खबर फारुखाबाद से है, जहां ब्याजखोरों से परेशान परिवार ने मकान और दुकान बिकाऊ पर पोस्टर लगाए, सीएम योगी को पत्र भेजकर इच्छा मृत्यु की गुहार तक लगाई। परिवार ने व्यापार के लिए सूदखोरों से 13 लाख रुपए लिए थे। पीड़ित परिवार ने सूदखोरों को ब्याज सहित रुपए लौटा दिए हैं, लेकिन सूदखोरों ने दबंगई के बल पर घर में घुसकर कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो दबंगों ने जमकर पीड़ित परिवार की मारपीट कर दी। वही दबंग आए दिन गाली गलौज करते हैं और मानसिक रूप से पीड़ित परिवार को प्रताड़ित करते हैं। वही अगली खबर झांसी से है, जहां तहसील में बैठे हुक्मरानों के ऑफिस के सामने और आवास के बगल में ये जर्जर सड़क कई महीनों से इसी स्थिति में है। यहाँ आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो जाते हैं, लेकिन सरकारी गाड़ियों में चलने वाले अधिकारी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के आगे शायद ये सड़क विलुप्त हो जाती होगी। गौरठा क्षेत्र के वास्तविकता बयान करने के लिए अकेली ये सड़क ही नहीं, बल्कि वहाँ पे गड़वाई, ककरवाई, धनमोड़ और धनूरा सहित कई ऐसी सड़कें हैं जिन्हें देखकर आप सोचेंगे कि सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनकर वाहवाही लूटने वाले जनप्रतिनिधियों के विकास की इतनी बदनुमा तस्वीर है। वही अगली खबर सहारनपुर से है, जहां देवबंद में योगी सरकार का पिला पंजा एक बार फिर गरजा। मंगलौर रोड स्थित बीबीपुर मार्ग अवैध कालियों में गरजा सरकार का पीला पंजा। वही मंगलौर स्थित बीबीपुर मार्ग पर अवैध कॉलोनियों को एसडीएम ने बुलडोजर से ध्वस्त कराया। वही ध्वस्त की गई कॉलोनियों की अपूर्ण कॉलोनियों के साथ ध्वस्तीकरण भी हुआ। पुलिस फोर्स वहां काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद रही। देवबंद कोतवाली क्षेत्र के मंगलौर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देवबंद क्षेत्र के बिनीमय क्षेत्र के अंतर्गत बीबीपुर रोड पर आज हमने 3 कॉलोनियों को ध्वस्त किया है, जो अवैध थी, जो कहीं से पास नहीं है, अप्रूव नहीं है, और अप्रूव ना होने की वजह से जो लोग हैं उसमें गुमराह हो जाते हैं और अननेसेसरली एक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट होता है। इसके चलते कई शिकायतें भी आईं, जिसके मद्देनज़र आज हमने उन कॉलोनियों को ध्वस्त करा दिया। वो कॉलोनियों सांकेतिक रूप से 2-2, 3-3, 4-4 फीट की दीवार बनाकर प्लॉट काटे गए थे। वही अगली खबर बलरामपुर से बताया जा रहा है, जहाँ राप्ती नदी बरसात के मौसम में बाढ़ लाकर अपना तांडव दिखाती हुई नजर आ रही है। वही दर्जनों की संख्या में नेपाल की पहाड़ियों से उतरकर जिले में पहुंचने वाले पहाड़ी नाले भी ग्रामीणों के जीवन को कष्टमय बनाते जा रहे हैं। खासकर हेंगहा, धोबनिया और खरझार नाले हर सीजन न केवल बाढ़ को लेकर आते हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर कटान भी करते हैं, जिससे ग्रामीणों को खासी परेशानी होती है। लेकिन नेता और अधिकारी अपने मौज में हैं, जीवन जी कर रहे हैं। वही अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए टेडी प्रॉस, छिटनहीड और उदयपुर खैरहींत सहित आधा दर्जन गांव के लोगों को नाले के समीप आकर जबरदस्त प्रदर्शन करना पड़ा, जिसके बाद भी सरकार उनकी एक ना सुनी और वो अपने मौज में ही विलीन रहे। वही अगली खबर फारुखाबाद से है, जहां दो पक्षों में बकरी को लेकर विवाद हो गया। विवाद के चलते विशेष समुदाय के लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ता के घर में घुसकर मारपीट की। वही धारदार हथियार से हमला भी किया गया। विशेष समुदाय के दबंगों ने मारपीट कर धारदार हथियार से उनको खरोंच पहुंचाई। वही हमले में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दबंगों की मारपीट और धारदार हथियार से हमला करने पर 4 महिलाएं सहित आधा दर्जन लोग गंभीर हैं। घायल अवस्था में जिला अस्पताल लोहिया में उनको भर्ती कराया गया है, जिसके बाद एक महिला की हालत काफी गंभीर होने पर डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वही अगली खबर जनपद मुजफ्फरनगर की है, जहां पुलिस लाइन में 26 अंतर जनपदीय कुश्ती कलिस्टो पुलिस प्रतियोगियों की शुरुआत की गई, जहां सहारनपुर मंडल DIG अजय साहनी पहुंचे। मुजफ्फरनगर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। पहली कुश्ती सहारनपुर और गाजियाबाद के बीच खेली जाएगी। वही शहर में देर रात से हो रही लगातार बारिश के बीच 26वें अंतर जनपदीय कुश्ती पुलिस कमेटी ने 9 जिलों की टीम विभिन्न खेलों में प्रतिभाग करने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंच गई है, जिसे अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। वही अगली खबर थराली से है, जहां रात को हुई बारिश ने कर्णप्रयाग थराली
ग्वालदम अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह बंद हो गई थी। सुबह बीआरओ ने लगभग यातायात बहाल तो कर लिया, लेकिन अभी भी न्यायराड़े के पास पहाड़ टूटकर पेड़ पौधे सहित सड़क पर आ गए हैं। इस वक्त एक बाइक और एक कार भी यहां से गुजर रही थी, तभी ऊपर पहाड़ से बड़े बड़े पेड़ पौधों और बोल्डर मलबा उनके सामने भरभरा कर गिर गए। गनीमत ये रही कि कुछ ही मीटर के फासले पर मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। फिलहाल 2 से 4 घंटे बाद ही यातायात बहाल होने का अनुमान है। वही अगली खबर थराली से है, जहां लगातार हो रही बारिश ने हर तरफ लोगों के लिए परेशानियां खड़ा कर दी है। हर तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश लोगों और सरकारी संपत्तियों को भी भारी क्षति पहुंचा रही है। वही अगली खबर खटीमा से है, जहां उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां भू माफिया प्लॉटिंग के नियमों को ताक पर रखते हुए प्लॉटिंग ग्रामीण कर रहे हैं। वही ग्रामीणों ने इसका विरोध मामला खटीमा तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा जमौर में की है, जो खाता संख्या 125 के खाता संख्या 2 में आती है। वही ग्रामीणों द्वारा तहसीलदार खटीमा को अवगत कराया गया कि कुछ भू माफियाओं द्वारा क्षेत्र में प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है और बिना अनुमति के ही कृषि योग्य भूमि को बिना 143 के ही प्लॉटिंग कर दी जा रही है। यस है, ये जो मीन जो आप देख रहे हैं इसमें मानकों के अनुरूप काम किया जा रहा है। ये रोड देखिए आप, फ्लैट दिख रहा है आपको। इसमें एक तो जो मानक होते हैं 30 फीट का रोड होना चाहिए, नाली होना चाहिए, खंभे लगे होना चाहिए, तभी आप कॉलोनी काट सकते हैं, अन्यथा नहीं। जो मानक हैं ये मतलब वहाँ से मिलते हैं इनको। और ये जो ज़मीन बात को क्या करते हैं, ये लोग 10 फीट का भी रोड काटा है, यहाँ पे ना नाली निकाल रहे हैं ना खंभे गाड़ रहे हैं। हम लोगों को दिक्कत होती है, हम स्थायी निवासी हैं यहीं के। वही अगली खबर थराली से है, जहाँ थराली विधानसभा के अंतर्गत नारायण बर्ग मुख्य बाजार में सड़क और दुकानों के अंदर मलबा परसने से व्यापारों और आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल वर्षों पुरानी इस समस्या पर कोई स्थायी समाधान करने की आज तक कोई जहमत नहीं उठा पाया है, जिस कारण सदियों की तेज बारिश और या मानसून की बारिश यहां राजकीय इंटर कॉलेज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्थायी महाविद्यालय भवनों के ऊपर से पानी बह रहा है, वही जिससे हर बारिश में यह समस्या पैदा हो जाती है। रात भर हुई तेज बारिश ने लगभग 1 बजे के देर रात को मुख्य बाजार में ऊपर पहाड़ी से फिर से मलबा बहकर आ गया, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद पड़ गया है और लोगों को यातायात में काफी नुकसान हो रहा है। वही अगली खबर संबल जिले से है, जहां हयात नगर थाना इलाके के गांव से महिला उत्पीड़न से जुड़ा मामला सामने आ रहा है। यहां शोहदों की गुंडाई का मामला सामने आने पर गांव में पूरा हड़कंप मच गया है। यहां की रहने वाली कक्षा 11 की छात्रा का नहाते समय अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शोहदों ने युवती के घर में मोबाइल फोन फेंक कर बात नहीं करने पर तेजाब डालने की धमकी भी दी है। वही शोहदों की हरकत से छात्र सदमे में है और अब स्कूल भी नहीं जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। ग्राम मिलक सेंजना में जैसा एक छेड़छाड़ का मामला है, FIR दर्ज की गई है, क्या मामला है? थाना यातनगर में मिलक सेंजना गांव में किशोरी के पिता के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें 3 अभियुक्तों के खिलाफ छेड़खानी तथा मोबाइल पर वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया गया, जिसमें तत्काल प्रभाव से FIR पंजीकृत कराई गई है। इसमें एक टीम गठित करके 3 अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।